सो गाइस वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल एक्सपायरी के डे आप किस तरीके से बड़ा पैसा कमा सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करके इसके अलावा देखेंगे बेस्ट स्टॉक जिनको कल आप ट्रेड कर सकते हो और सारे ट्रेड का लॉजिक क्या है सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते स्टार्ट सबसे पहले देख सकते हो मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया सबसे पहले निफ्टी को एनालिसिस करेंगे उसके बाद बैंक निफ्टी उसके बाद स्टॉक को हम देख लेंगे ठीक है तो यहां पर आज देख सकते हो काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ प्राइस और एक एक वॉलिटिलिटी प्राइस

स एरिया के आसपास इससे पहले भी यहां पर भी बनी थी इससे पहले पर भी रेड कैंडल बनी थी उसके बाद से भी मार्केट गिरा था और यहां से भी मार्केट गिरा था फिर से प्राइस उसी रेंज के आसपास आ चुकी जहां पर इसका टारगेट था जो कि मैंने लास्ट जब प्राइस इस लेवल के आसपास थी यहां पर हैमर बना था उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है इस, इस हफ्ते में मैक्सिमम टारगेट हमारा यहां तक यानी कि सोलह तक का हमारा टारगेट होगा और डेफिनेटली आज हमारा टारगेट यहां पर हिट हुआ है अब यहां से हो क्या सकता है या तो अगेन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले सकती है बड़ी बड़ी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तेजी उसके बाद हो सकती है फिर क्या हो सकता है यहां से प्राइस फिर से रिवर्स कर सकती है और फिर से प्राइस इस नीचे वाले चैनल के पास में आकर सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस कर सकती है ठीक है ये हो गई बड़ी कहानी ठीक है ये चीज हो गई बड़ी कहानी अब हम देखेंगे कल किस तरीके से हम इसको प्लान करेंगे ठीक है आई होप कि ये चीज कहानी पूरी आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से पूरा अभी मार्केट चल रहा है किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है ठीक है एक्जेक्टली मैंने आपको जैसा बताया संडे को वैसा ही अभी तक हमारे हिसाब से चलता आ रहा है ठीक है चलिए अभी मैं फिफ्टी मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूं आज मैं आपको बताता हूं अभी रिसेंटली आज हुआ क्या है ठीक है आज देखो पूरे दिन में वॉलिटिलिटी क्रिएट की इसको हटा देते हैं जरूरत नहीं है ठीक है एक सेकंड इसको हटा देता हूँ right, तो 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 क्योंकि वॉलीटिलिटी क्रिएट हो सकती है एंड जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं तो आज जो मैंने खुद भी ट्रेड लिया था छोटे क्वानिटी के साथ लिया था क्योंकि मुझे पता है कि आज वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो प्र, प्राइस का डिसाइड नहीं है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ठीक है तो हमारा मॉर्निंग का प्लान क्या था अगर मार्केट साइडवेज ओपन अप ओपन हुई थी हमको पता चल गया था तो अगर प्राइस इसका लो करते हमारा हम कर प्लान था नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया यहां पर था हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ था इसके अलावा देखो पूरे दिन में कुछ भी नहीं हुआ मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दिया था कि निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड मत करना क्योंकि वॉलिटिलिटी क्रिएट हो रही है कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो आपके जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और पैसा आपका नहीं बनेगा ठीक है चलिए गई कि अब हम बात करेंगे कल किस तरीके से हम प्लान करेंगे देखो कल का ट्रेड काफी ज़्यादा ए, सिंपल हो सकता है अगर हमारे हिसाब से हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिलेगा तो काफ़ी अच्छा पैसा हमारा बन सकता है ठीक है देखो अभी प्राइस में आपको समझना है टॉप लेवल के आसपास डेली टाइम फ्रेम पर पर हमको एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पर देखने को मिला है है ठीक जो कि एक रिवर्सल साइन है इसके अलावा देखोगे ये पूरा गैप पेंडिंग है ठीक है अभी आप यहाँ से देखो फ्रॉम हियर जैसे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूं यहां से देखोगे यहां तक ये पूरा आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ है तो ये गैप पेंडिंग अभी हमको दिख रहा है ठीक है तो कल क्या हो सकता है अगर मार्केट बाई चांस

क्रॉस करते ही हम इसको सेल कर सकते हैं पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये ध्यान रखना तो इस ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस करते यानी कि जो डे 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 का 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 लो 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 है वो का लो, आज की क्रॉस का का करते ही हम इसको सेल कर देंगे ठीक है बिना कुछ एनालिसिस किए ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है जैसे इसका लो क्रॉस करते हम तुरंत ही हम शॉर्ट कर देंगे स्टॉप लॉस ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर तीस पच्चीस पॉइंट जो भी आपके हिसाब से सही हो सकता है वो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस देख सकते हो ठीक है ज्यादा इसके अलावा कुछ ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं सेल के लिए काफी इजी ट्रेड मिलेगा काफी बड़ा पैसा आपको एक्सपायरी पर बन सकता है है ठीक टारगेट कहां तक हो सकता है जो लास्ट कैंडल दिख रही लास्ट कैंडल का जो हाई है यानी कि चार सौ तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो फर्स्ट टारगेट हजार चार सौ काज तीन सौ पचास तीन सौ साठ यहां तक हमारा टारगेट हो सकता है ये पूरा गैप जो पेंडिंग है वो बाय चांस फिल हो सकता है ठीक है अब मैं बात कर लेता हूं बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए यानी कि मान लेते हैं कि प्राइस इस रेंज के बीच में यहां कहीं ओपन होती है तो यहां पर प्राइस टप्पा खाकर फिर से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है जैसे कि प्राइस यहां पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ निकल सकती है तो यह ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है डाउन हो जाए तो एक बार आपको वेट करना है डाउन होगी तो डेफिनेटली प्लान हम फर्स्ट सेल के लिए करेंगे ठीक है के लिए अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे अगर गैपडाउन ओपन ओपन होती है और साइडवेज ओपन होती है दोनों कंडीशन में हम सेल के लिए ज्यादा प्रिपेयर रहेंगे ठीक है इसके अलावा अगर बाइक के लिए देखो तो जब तक कि प्राइस का डे हाई क्रॉस नहीं होता ठीक है यहां पर जब तक कि डे हाई क्रॉस नहीं होगा उससे पहले हम बाइक के लिए प्लान नहीं करेंगे ठीक है तो बाइक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है वो सोलह का यहाँ पर रजिस्टेंस है तो जब तक कि प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलेगी उससे पहले हम अभी बाइक के लिए प्लान नहीं करने वाले हैं ठीक है थीके? क्योंकि ओवरऑल काफी बड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा उससे पहले बड़ी तेजी हमको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो अगर प्राइस इस लेवल के आसपास 600 के आसपास ओपन होकर एक रेड कैंडल बनाती है ठीक है यहां पर अगर रेड कैंडल भी बनाएगी तभी हम सेल के लिए प्लान करेंगे ठीक है अगर गैप अप ओपन हो जाती है और रेड कैंडल बनाती है यहाँ पर तो एक यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता है तो हम इसको सेल के लिए देखेंगे ठीक है बाइक के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी चाहिए उसका एक हाई क्रॉस करके छः के ऊपर निकलेगी उससे पहले हम बाइक नहीं करेंगे छह के ऊपर निकलने के बाद हम बाइक

इसमें भी स्पिनिंग टॉप देखने को मिला ठीक है इसका जो ब्रेकआउट लिया था छत्तीस का स्पिनिंग exactly से टॉप देखने को मिला यहां पर भी पूरा गैपेंडिंग है ठीक है तो गैप एक्सपायरी के डेट फिल हो सकता है तो अगर सेल की तरफ ट्रेड मिलेगा तो काफी बड़ा पैसा हमारा बन सकता है हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है ठीक है अगर हम सही जगह पर सही ट्रेड अगर ले लेते हैं ठीक है इसके देखो अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं और अगर आप इस चार्ट को समझोगे तो किस तरीके से ये चल रहा है वो थोड़ा सा आपको समझना है ठीक है जैसे यहां से अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकल रही थी यहां पर थोड़े कुछ एक हफ्ते के लिए प्राइस ने वेट किया थोड़ा सा कंसल्टेशन हुआ फिर से प्राइस निकली और फिर से प्राइस ने एक न्यू हाई लगाया ठीक है अब फिर से प्राइस हो सकता है थोड़े कुछ दिनों के लिए नीचे की तरफ आए फिर से ऊपर की तरफ निकले तो इसी तरीके से मार्केट चलता है ठीक है ये चीज आपको समझनी अभी हम देख लें यहां से डायरेक्शन हमको थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर रहा है ठीक है यहां से अगर आप सिंपली देखोगे तो प्राइस में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं था लेकिन आज की ले, आज का यहाँ पर देखो प्राइस प्राइस एक्शन से देखोगे तो स्लो एंड एंड एक लो लो बनाना ऑफ द डे स्टार्ट कर चुकी तो यहां से अगर ये कंटिन्यू होता तो फिर से यहां तक कहीं आएगी फिर से ऊपर की तरफ निकलेगी तो इस तरीके से मार्केट चलेगा ठीक है तो अगर हम कल अगर बात करें तो एंड ऑफ द डे इसने भी डे लो क्रॉस किया एंड ऑफ द डे हम मॉर्निंग में सोच रहे थे बहुत बड़ा गैप अप हुआ अगर मॉर्निंग में ये अगर डे लो क्रॉस करता प्राइस तो एक काफी अच्छा शार्प फॉलिंग मॉर्निंग में ही आ जाती लेकिन प्राइस ने थोड़ा सा वेट किया थोड़ा सा कंफ्यूज किया मार्केट को एंड यहां पर पर देखो कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही अग्रेसिव थे अग्रेसिव तो इसलिए इसकी वजह से कोई डायरेक्शन हमको नहीं देखने को मिला एंड ऑफ द डे देखेंगे तो सेलर्स अग्रेसिव होते हुए हो नजर आए क्योंकि देख सकते हो रेड कैंडल की साइज काफी ज्यादा बड़ी है और ग्रीन कैंडल की साइज काफ़ी ज्यादा छोटी होती हुई हमको नजर आई है ठीक तो है तो प्राइज एक्शन भी नेगेटिव बनता हुआ नजर आए तो कल भी सिंपल रखेंगे इसका प्लान अगर डे लो इसका क्रॉस हो रहा है इमीजिएटली हम इसको शॉर्ट करेंगे ठीक है पुट ऑप्शन बाय करेंगे जो भी होगा एट द मनी आपको ट्राई करना है या फिर इन द मनी करना है ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आपको नहीं जाना है या फिर एक सौ पॉइंट आउट ऑफ द मनी जा सकते हो इससे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस दूर की नहीं लेनी नहीं तो आपको अच्छा पैसा नहीं बनेगा ठीक है अब यहां पर बात करूं जैसे डे का लो क्रॉस करते हैं आप इसमें पुट पौ, पौ, ऑप्शन बाय कर सकते हो ठीक है अभी मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं जब तक कि प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी छत्तीस के ऊपर नहीं निकलेगी उससे पहले बड़ी तेजी हमको नहीं देखने को मिलेगी ठीक है अगर प्राइस एक दो दिन वेट करके इसके ऊपर निकलेगी तो उसके बाद हम देख सकते हैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे फिलहाल आपको वेट करना है ठीक है अब मैं बात करूँ बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हो जाए मान लेते कि प्राइस यहाँ पर कहीं ओपन होती है यहाँ पर क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है मैं थोड़ा सा जोन मार्क कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हो ठीक है ये पूरा एरिया है तो ये सपोर्ट की तरफ काम करेगा यानी कि अगर प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो पैंतीस हजार सात सौ सात सौ पचास का लेवल जो है स्ट्रॉग सपोर्ट है ठीक है पैंतीस हजार सात सौ पचास स्ट्रॉग सपोर्ट है अगर साइडवेज प्राइस ओपन होती है तो हमारा टारगेट यही होने वाला है एंड मान लेते पैंतीस हजार सात सौ पचास के आसपास प्राइस ओपन होती है तो यहाँ से प्राइस बाउंस भी कर सकती है ठीक है यहाँ से प्राइस जो है एक बार अगर बहुत बड़ा डाउन हो जाता है तो प्राइस बाउंस भी कर सकती है तो डाउन होने पर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है

बजे के बाद को ऐसा ट्रेड मिलेगा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको डेफिनेटली आप लोगों के साथ टेलीग्राम के अंदर शेयर करने वाला हूं काफी अच्छा पैसा हमारा एंड ऑफ द डे बन सकता है ठीक है तो ऐसा कोई ट्रेड होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर अपडेट मिल जाएगा ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते स्टॉक जिनको कल हम ट्रेड कर सकते हैं ठीक है थीके? पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा आज देखो आईटी सेक्टर में काफी अच्छा रिवर्स हमको देखने को मिला है काफी अच्छा हमको थोड़ा सा रिवर्सल स्पॉट हुआ है ठीक है एंड इसमें देखिए टेक महिंद्रा के अंदर काफी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है ठीक है यहाँ पर देखो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ हमको नजर आया सिंपली देखो कि प्राइस एक डब्ल्यू पैटर्न थी नेकलाइन इसका था एक, एक के आसपास या फिर पैंतीस के आसपास बोल सकते हो इसको यहाँ पर ब्रेकआउट इसका हुआ है ठीक है तो कल अगर इसका डे हाई क्रॉस करते ही हम इसको अगेन बाय कर सकते हैं ठीक है डे हाई क्रॉस करते बाय कर सकते हैं क्योंकि देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है लेकिन ध्यान रखना गैप प्राइस साइडवेज ओपन होनी चाहिए बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो इग्नोर करना गैप डाउन हो जाए तब भी इग्नोर करना है ठीक है बिल्कुल साइडवेज ओपन होती है एंड उसके बाद डेल हाई क्रॉस करते हैं हम इसको बाय के लिए प्लान करेंगे ठीक है इसका 50 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा ठीक है बैंक स्टॉक देख लेते हैं आईसीआईसी लोमबार ठीक है इसको अगर देखोगे आईसीआईसी लोमबार जनरल लाइफ इंश्योरेंस करके ये स्टॉक इस है इसको अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे एक पैटर्न हमको देखने को मिला है बिल्कुल परफेक्ट एम पैटर्न हमको देखने को मिला जैसा अभी टेक महिंद्रा के अंदर देखने को मिला डब्ल्यू पैटर्न यहां पर हमको देखने को मिल रहा है एम पैटर्न वॉल्यूम देखो हैवी वॉल्यूम के साथ आज ट्रेडिंग हुई और नेकलाइन के आसपास एक्जेक्टली नेकलाइन के आसपास क्लोजिंग दी है ठीक है तो अगर कल इसका डे लो क्रॉस करते नीचे की तरफ आएगी प्राइस तो एक बड़ी गिरावट हमको देखने को इस स्टॉक के अंदर मिल सकती है ठीक है आपको चीजों को प्लान

इसमें जो कर सकते हो ठीक है, और हमारा हो है यहां 1160 तक प्राइस आ सकती है मैक्सिमम बता रहा हूं अगर बड़ी गिरावट होती है तो ग्यारह मैक्सिमम आ सकती है या फिर बारह आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इसके नीचे और भी बड़ी गिरावट होगी तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में एड करना है की आपको समझ में आ रही नेक्स्ट है एच ठीक है हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको अगर मैं फिफ्टी मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर बताऊँ तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है यहाँ पर अपने एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास अगेन प्राइस खड़ते हुए खड़ी हुई हमको नजर आ रही देख सकते हो ये ट्रेड मैंने आज भी दिया था दोपहर में मार्केट दोपहर में टेलीग्राम चैनल के अंदर लेकिन हमारा ब्रेकआउट अच्छे से हुआ नहीं तो इसकी वजह से ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ ठीक है तो कल अगर प्राइस छब्बीस एक राउंड लेवल नंबर है तो छब्बीस के ऊपर अगर प्राइस निकलती तो इमीजिएटली हम इसको बाइक के लिए प्लान करेंगे ठीक है छब्बीस के ऊपर निकलते हम इसको बाइक के लिए प्लान करेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें हो सकता है ठीक है इसको

बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है इसके अलावा स्टॉक देखिए कॉन्कोर तो इसको आपको आ, आ, कंटेनर आ, आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है अपनी वॉच लिस्ट में रखना है इसको मैं पिछले दो तीन दिन से कवर कर रहा हूं तो आप ब्रेकआउट है डाउन साइड ब्रेकआउट है इसका सौ पैसठ छह सौ ठीक है तो इस लेवल के आसपास आए तो उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे ऑल भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा ठीक है आई होप की पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा किस तरीके से हमने चीजों को प्लान किया और स्टॉक को आपको क्या है कि जब अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा जब तक तक नहीं हो रहा तब तक आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखो जब भी ब्रेकआउट हो उसके बाद उसको हम ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स सारे सेम रहते हैं बार बार नहीं बदलते ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताए और टेलीग्राम चैनल गाइज ज्वाइन कर लो बहुत सारे अपडेट आपको लाइव मार्केट के थ्रू मैं आपको शेयर करता हूं तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है आप भी जाके जुड़ के बेनिफिट ले सकते हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके बाय